हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आस्था शर्मा और आज मैं इंग्लिश 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक का एक चैप्टर लेके आई हूँ, जो बहुत ही इमोशनल चैप्टर है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। और इसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप किसके नरेटर की फ़ोटो दिखाएं आपको। देखिए, ये है नरेटर जिनका नाम है खुशवंत सिंह। ये इनकी लाइफ के रियल इवेंट पर आधारित एक स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल, जिस पे ये और इनकी दादी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जहाँ पे इनकी फ्रेंडशिप, इनकी लविंग रिलेशनशिप को दिखाया गया है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा समरी बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक है, जिससे मुझे पूरी समरी रिवाइज हो जाती है। इसको मैं 3 पॉइंट्स में कवर करती हूँ। द नेम ऑफ द करेक्टर्स, द करेक्टर्स डिस्क्राइब्ड एज, एंड द स्टोरी बिगिंस। तो ये 3 पॉइंट्स में अपनी समरी कवर करती हूँ और इससे मेरी आराम से एक अच्छी सी समरी बनती है। आई होप आपको भी ये पसंद आएगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नरेटर हैं कौन? खुशवंत सिंह, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और उनकी दादी, उनकी ग्रैंड मदर। यहाँ पे कोई ग्रैंड मदर का नेम नहीं दे रखा, इसलिए सिर्फ मैंने ग्रैंड मदर ही लिखा। पहले नरेटर की डिस्क्रिप्शन। नरेटर की आपको डिस्क्रिप्शन मेन वो नहीं देनी है कि वो राइटर थे, फिर वो पढ़ने गए, ये वो नहीं देनी। नॉर्मली आपको ग्रैंड माँ के साथ वाला बॉन्ड बताना जो बुक में गिवन है। तो वो क्या था? एक लिटिल बॉय लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर। तो वो बचपन से ही अपनी दादी माँ के साथ रहा करते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स शहर गए थे और वहाँ शहर में उन्होंने अपना काम जमा लिया। तब उन्होंने फिर अपनी दादी, अपनी माँ को और अपने बेटे को बुला लिया। उससे पहले ग्रैंड मदर और वो बॉय एक साथ गांव में रहते थे। यहाँ पे लव्ड हिज ग्रैंड मदर वेरी मच एंड हैड अ क्यूट फ्रेंडशिप। और यहाँ पर ग्रैंड मदर और उसके ग्रैंडसन के बीच बहुत ही प्यारा सा एक फ्रेंडशिप का रिश्ता था। और जो सन थे, वो जो उनके ग्रैंडसन थे खुशवंत सिंह, जो नरेटर हैं, वो क्या करते थे? अपनी ग्रैंड मदर की रिस्पेक्ट करते थे और उनको उनकी वॉइस बहुत ही पसंद आ करती थी। जब भी वो मंत्रास पढ़ती थी या फिर कोई रिलीजियस सॉन्ग आती थी, वो बिल्कुल ध्यान से उसको सुनते थे और बहुत पसंद करते थे। अब आते हैं यहाँ पे ग्रैंड मदर की डिस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड मदर की डिस्क्रिप्शन आ ही जाती है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे ग्रैंड मदर की डिस्क्रिप्शन है ये। शी वॉज एन ओल्ड विंकी वुमेन, मतलब रिंकल्स, मतलब कि रिंकिल, मतलब यहाँ पे आपके क्या झुर्रियाँ, मतलब कि जैसे बूढ़ी औरतें होती हैं उनकी झुर्रियाँ होती है ना, यहाँ पे ओल्ड रिंकली वुमेन, तो मतलब कि वो झुर्रियों वाली एक औरत थी। ओल्ड मतलब कि बहुत बूढ़ी झुर्रियों वाली औरत थी। क्या थी? शॉर्ट थी, प्लम थी और स्लाइंटली बैंडेड थी, मतलब झुकी हुई थी उनकी कमर। शी वॉज अ सेंटली वुमेन एंड क्वाइट रिलीजियस एंड काइंड। वो बहुत ही शांत और बहुत ही संत जैसी वुमेन थी, और जो अपने रिलीजन को बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा सफ़ेद साड़ी पहना करती थी और अपने हाथों में रोसरी रखा करती थी। रोसरी मतलब कि वो जो मंत्र वाली माला होती है, जिसको जपते रहते हैं, तो इसको दे उसको वो लिया करती थी। उनके लिप्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते थे इनऑडेबल प्रेयर्स में, मतलब कि इनऑडेबल मतलब कि जो हमें सुनाई ना दे। शी लव्स हर ग्रैंडसन एंड मेड अप हिम एवरी डे। मेड अप हिम से मीनिंग है यहाँ पर कि वो उनको रेगुलर तैयार करती थी, स्कूल भेजती थी और उनका हर चीज़ का ध्यान रखती थी। शी लव्स एनिमल्स ऑल्सो, लाइक डॉग्स, स्पैरोज और भी बहुत सारे एनिमल्स को पसंद करा करती थी। और उनको म्यूजिक से सख्त नफरत थी। वो कहती थी वो सब ये गाना बजाना ये सब बैगर्स का काम होता है। बैगर्स मतलब कि जो जो गरीब होते हैं, जो भी। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो स्टोरी बिगिंस हियर। सो द नरेटर स्टे विद हिज ग्रैंडमदर, हिज ग्रैंडमदर वॉक्स अप हिम अप एल अर्ली मॉर्निंग। सो क्या होता था कि जो नरेटर थे वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ ही रहते थे बचपन से, जैसे मैंने आपको बताया विलेज में, और ग्रैंडमदर उन्हें हमेशा सुबह सुबह जल्दी उठाती थी और उनको प्लास्टिड हिज वुडन स्लेट, मतलब कि पहले के टाइम में कोई किताबें वताबें नहीं हुआ करती थी, आपको सबको पता है। तो क्या होती थी? वुडन स्लेट होती थी, उसको वो हमेशा पॉलिश करके उसको सब प्लास्टर करके देती थी। ऑर्गेनाइज हिज ब्रेकफास्ट, मतलब वो अपना उसका ब्रेकफास्ट बनाया करती थी और फिर उन्हें स्कूल लेके जाया करती थी।
शी यूज टू गिव द स्टॉल चपातीज टू स्ट्रीट डॉग्स, और वो हमेशा अपने साथ रात की जो भी बासी रोटियां चपातियां जो बची होती थी वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए लेके जाया करती थी। फिर ये हमेशा होता रहता था, लेकिन जैसे ही उनकी फैमिली सिटी जाके सेटल हो गई, वैसे ही उन्होंने क्या करा, जो ग्रैंड सन थे खुशवंत सिंह और जो उनकी ग्रैंड मदर थी, उनको सिटी बुला लिया। और ये उनकी रिलेशनशिप का एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ वो लोग बहुत ही अकेले अकेले रहने लगे। पहले वो एक साथ रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे खुशवंत सिंह की एज बढ़ी, क्लास बढ़ी, तो उनके वे स्कूल सिटी स्कूल जाने लगे, तो उनका और वर्कलोड बढ़ता रहा। तो ये टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप अराइव्ड व्हेन दे वेंट टू लिव इन अ सिटी, जब वो सिटी में रहने गए। अब नरेटर यहाँ पर क्या करते थे, सिटी स्कूल जाया करते थे स्कूल बस में। अब तो क्या हो गया, अब ना दादी को कोई काम करना पड़ता था, अब दादी सिर्फ अपना खाली रहा करती, दादी को कोई काम नहीं था अब। क्यों? क्योंकि अब वो नरेट अपना सारा काम खुद कर लिया करते थे, अब सिटी स्कूल जाया करते थे, और सिटी स्कूल जाने के लिए भी दादी को नहीं छोड़ने की जरूरत पड़ती थी, वो स्कूल बस में जाया करते थे। और वहाँ पर वो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते थे जो उनको दादी पढ़ा सके, जैसे कि वो क्या पढ़ते थे, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स एक्सेट्रा, जैसे हमारे नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाया जाता है वही सब्जेक्ट पढ़ते थे। दोस हिज ग्रैंड मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल, जो उनकी ग्रैंड मदर नहीं समझ पाती थी, तो इसलिए वो उसे पढ़ा भी नहीं पाती थी। शी फेल्ट अपसेट दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, तो वो बहुत दुखी थी कि किसी भी तरीके से बच्चों को गॉड्स और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। इंस्टेड ऑफ दीज ही स्टडीड म्यूजिक, और वो क्या करते थे, म्यूजिक स्टडी करते थे, और जो उनकी दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी ही गॉट सेपरेट रूम इन हिज हाउस, तो अब जब वो यूनिवर्सिटी चलेगा तो बड़े हो गए तो अब उनको सेपरेट रूम मिल गया। पहले वो दादी के साथ रहा करते थे तो थोड़ी बातचीत हुआ करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल सेपरेट रूम हो गया, तो अब वो बातचीत भी कम हो गई। अब यहाँ पे आया एक, द कॉमन लिंक ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड सन एंड ग्रैंड मदर वॉज ब्रोकन नाउ, अब जो उनका रिलेशनशिप था वो बिल्कुल ही टूट चुका था। नाउ शी स्पेंड हर टाइम विद हर स्पिनिंग व्हील एंड द रीसेंट प्रेयर्स ऑफ गॉड्स, और वो क्या करती रहती थी, अपना टाइम कहाँ स्पेंड करती थी, व्हील, जो स्पिनिंग व्हील थी पहले के टाइम में, उसमें उसको चलाने में उसको उस पर वर्क करती थी, और क्या करती थी, गॉड्स की प्रेयर करती थी। शी स्टार्ट फीडिंग द स्पैरोज बर्ड्स आफ्टरनून में, जब उनको ब्रेक मिलता था वो स्पिनिंग व्हील से, वो अपना टाइम थोड़ा बचा के, तो आफ्टरनून में वो रेस्ट किया करती थी, रिलैक्स किया करती थी, किनके साथ, उन स्पैरोज बर्ड के साथ, क्या करके, उन्हें फीड करवा के। When the narrator left for abroad for his further studies, his grandmother did not get disturbed at all. क्योंकि अब देखिए, अब जब grandmother जो थी, अगर वो abroad जा रहे हैं तो अगर वो दुखी होती तो कैसे जा पाते, तो इसलिए वो क्या, उन्होंने बहुत normal behave किया और उन्होंने आराम से narrator को abroad जाने दिया अपने आगे की studies के लिए। Rather she saw him off at the एयरपोर्ट, और वो साथ साथ उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने भी आई। सीइंग हर ग्रैंडमदर एट दिस ओल्ड एज द नरेटर लेफ्ट दैट इट माइट बीन हिज लास्ट मीटिंग विद द ग्रैंडमदर, अब जो वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी तो वो सोच रहे थे कि अब मैं अपनी दादी से दोबारा नहीं मिल सकूंगा, तो इसलिए वो सोच रहे थे कि उनकी लास्ट मीटिंग थी, अब वो नहीं मिल पाएंगे अपनी दादी से। बट जब वो 5 साल बाद अपने घर वापस आए अपनी स्टडी कंप्लीट करके, तब उन्होंने दादी को पाया और दादी उनका बहुत खुशी से वेलकम करती हुई नजर आई उन्हें। अगले ही दिन, जिस दिन उन्होंने नरेटर को वेलकम किया, उसके अगले दिन वो बीमार पड़ गई। नाउ शी न्यू दैट हर टाइम इज लीव्स दिस हाउस, अब क्या है कि अब उनको लगने लगा था, जैसे कि पहले के लोग थे ना, अब उनको क्या हो जाता है, उनको फील हो जाता है कि हाँ अब मेरे जाने का समय आ चुका है, भगवान अब मुझे बुला रहा है, तो वो उनको फील होने लगा, तो इसलिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया, अब वो किसी से भी बात करने का उन्हें मन नहीं करता। शी डिडंट वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू एनीवन, तो वो नहीं पसंद करती थी किसी से भी बात करना, अब वो क्या करती थी, बस बेड पे लेटे लेटे प्रेयर्स करती रहती थी, और बस प्रेयर्स ही करती चली जा रही थी। शी वेंट
टू हर बेड प्रेइंग एंड टेलिंग द बेड टेल बीट्स टिल हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग द रोजेस फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस हैंड। तो क्या हुआ, जब वो प्रे करती हैं कंट्री कंट्री, उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जब उनके लिप जो था वो मूविंग होना बंद हो गया और वो जो उनकी माला थी जो उनके जाप करा करती थी वो उनके हाथ से लाइफलेस हैंड मतलब कि अब जिंदा नहीं थी वो उनके हाथ से छूट गई। अब क्या थी, अब वो मर चुकी थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज क्या हुआ वहाँ बैठी सेट डिस्पर्स्ड अराउंड हर बॉडी और वो उनकी बॉडी को कवर करके बैठ गई थी। सभी स्पैरोज बिन किसी आवाज़ के उड़ गई, ना ही उन्होंने कुछ खाया। जो भी ग्रैंड मदर की जो डॉटर इन लॉ थी मतलब कि जो खुशवंत सिंह की मम्मी थी, उन्होंने जो भी ब्रेड के पीसेस डाले थे वो भी उन लोगों ने नहीं खाए। और क्या हुआ, वो लोग बस शांति से उड़ गए। उन्होंने अपने इस दुख को ऐसे बयां किया। जब उनकी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था तब उन्होंने क्या किया, बस वो शांति से उड़ गए। तो ये थी स्टोरी किसकी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। और यहाँ पर ये बहुत दुखद कहानी और जो एक रियल इवेंट पे आधारित है खुशवंत सिंह के। सो नाउ द स्टोरी फिनिश्ड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड होप यू आर लर्निंग एंड द एग्जाम इज कमिंग एंड नाउ स्टार्ट योर प्रिपरेशन। Bye-bye.